साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक फरवरी के ही महीने से कानून के शिकंजे में हैं और अब तक भी राहत की उम्मीद दूर दूर तक दिख नहीं रही है। हालांकि जिस आर्यन खान केस में नवाब मलिक सबसे ज्यादा मुकर होकर बोले और एनसीबी के खिलाफ आरोप लगाए, वही आर्यन खान एनसीबी के केस में क्लीन चिट पा चुके हैं, मगर मलिक की मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। उल्टा अब तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ती दिख रही है। अब इस बार बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि मलिक की पत्नी उनके बेटे मनमानी कर रहे हैं। जी हां, ये मनमानी की बड़ी खबर आ रही है और खबर ये भी है कि इससे नवाब मलिक भी परेशान हो गए हैं, हालात बिगड़ने लगे हैं। तो क्या है नवाब मलिक मामले में अपडेट, कौन सी मनमानी कर रहे हैं पत्नी और बेटे, क्या लग रहा है आरोप और आगे क्या होगा, सब कुछ आपको दिखाते हैं बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक अभी भले ही अस्पताल में भर्ती हैं, उनके कुछ दिन बेहतर कहे जा सकते हैं, लेकिन असली हालात ये हैं कि मलिक जेल से बाहर तो हैं, मगर उनकी मुश्किलें कम हुई नहीं है क्योंकि उन्हें फिर से जेल जाना है और अभी भी लंबे समय तक वो कानून के शिकंजे में रहने वाले हैं क्योंकि चार्जशीट दूसरी बार फाइनल हो गई है। फरवरी के महीने से ही वो पहले हिरासत में रहे, फिर गिरफ्तार हुए और फिर रिमांड पर लिए गए और उसके बाद जेल भी भेजे गए और लंबे समय तक जेल की रोटी भी खाई और इस दौरान उनके हालात खराब होते रहे। हालांकि बीच बीच में कुछ राहत नवाब मलिक को मिलती भी रही, कभी घर के खाने की परमिशन मिली, कभी बेड गद्दा कुर्सी मिला तो कभी दवाइयों की भी परमिशन मिली, लेकिन नवाब मलिक की आफत कम हुई नहीं थी क्योंकि हालत उनकी लगातार खराब हो रही थी, उनकी तबीयत लगातार नासाज रहती थी जेल के अंदर। और जब अस्पताल जाने की इजाजत मिली तो लगने लगा कि अब कुछ राहत मलिक को मिलेगी, अब मलिक के कुछ बेहतर दिन आएंगे, लेकिन जैसे ही नवाब मलिक अस्पताल पहुंचे तो उसके तुरंत बाद ईडी ने नवाब मलिक पर उनके मामले पर दूसरी चार्जशीट फाइल कर दी और चार्जशीट के आधार पर कई तरह के नए खुलासे भी हो गए जिससे मलिक की कंडीशन और ज्यादा बिगड़ गई। अब नवाब मलिक के अस्पताल में होने के बीच मलिक के परिवार से खबर है, मलिक की पत्नी और बेटी को लेकर खबर है, उनकी मनमानी को लेकर खबर है। जी हाँ, ये बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि ईडी खुद कह चुकी है कि वो कई बार नवाब मलिक की पत्नी और बेटों को समन भेज चुके हैं और समन में पूछताछ के लिए बुला चुके हैं, लेकिन उन समन के बाद आना तो दूर, पहले के बाद दूसरे समन से जवाब तक नहीं दिया गया है। अब कानून की भाषा वकील समझते हैं और नवाब मलिक भी लंबे समय से मंत्री हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तो उन्हें भी मालूम है कि कानून क्या कहता है, कानून के किस दायरे में रहना है और उन्हें भी मालूम है कि समन को नहीं मानना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन फिर भी नवाब मलिक के परिवार ने, उनकी पत्नी ने, बेटे ने समन नहीं माना, अब इसी को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवाब मलिक की पत्नी, उनके बेटे ईडी के सामने जाना ही नहीं चाहते हैं, ईडी के सवालों के जवाब देना नहीं चाहते हैं। अब खबर ये भी है कि नवाब मलिक के वकील तक उन्हें समझा चुके हैं, खुद नवाब मलिक समझा चुके हैं और बोल चुके हैं कि समन का जवाब देना ही होगा और समन के बाद पूछताछ के लिए जाना ही होगा, भले ही बाद में कानून के दायरे में खुद को बचाया जाए, खुद के लिए पैरवी की जाए, सबूत और गवाह जुटाए जाए, लेकिन कानून से बाहर जाकर काम हो नहीं सकता और कानून से बाहर और ऊपर कोई नहीं है। लेकिन खबर यह है कि इसके बाद भी नवाब मलिक की पत्नी, उनके बेटे मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए अब तक भी समन का कोई जवाब नहीं दिया गया और इसीलिए कहा जा रहा है कि मलिक की पत्नी और बेटे मनमानी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये भी है कि अगर नवाब मलिक की पत्नी और बेटे समन का जवाब नहीं देते हैं तो फिर उन्हें हिरासत में भी लिया जा सकता है और गिरफ्तार तक किया जा सकता है और जेल का जीवन कैसा है, कितना मुश्किल है, कितना दुखदाई है, ये नवाब मलिक अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए हो सकता है कि नवाब मलिक कह रहे होंगे कि बात मान लो, एनसीबी को जवाब दे दो और अपनी तरफ से पूछताछ में चले भी जाओ, लेकिन मनमानी पर उतरे नवाब मलिक के बेटे और पत्नी अब तक ईडी के पास पहुंचे नहीं है और समन का भी कोई जवाब नहीं दे रहे। अब हालत यह है कि ये मनमानी नवाब मलिक पर भारी पड़ सकती है। जी हाँ, मनमानी कर कोई और रहा है, लेकिन नवाब मलिक पर ये मनमानी भारी पड़ सकती है क्योंकि मलिक ही केस में मुख्य आरोपी हैं और अगर नवाब मलिक के परिवार वाले जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो फिर तो उन्हें दिक्कत होगी, साथ ही साथ मलिक को भी दिक्कत होगी और इसीलिए मलिक के लिए परेशानी बढ़ती हुई दिख रही है। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या नवाब मलिक ने अपने बेटे और पत्नी से वाकई जाने के लिए कहा होगा, क्या वाकई कहा होगा कि पूछताछ के लिए जाओ, जांच में सहयोग करो, क्या नवाब मलिक ने इसके लिए रिक्वेस्ट की होगी, क्या हाथ जोड़े होंगे, क्योंकि ये सवाल उठने लगे हैं, ये बड़े सवाल हैं और ये सामने आने लगे हैं। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के परिवार की मनमानी ने मलिक को मुश्किल में डाल दिया है, मुश्किलें बढ़ा दी हैं और क्या इस कदम से, इस मनमानी से अब नवाब मलिक को वाकई झटका लगेगा या फिर इससे ज्यादा परेशानी और क्या बढ़ेगी। आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें।
तो नवाब मलिक होने को तो मुंबई के आलिशान प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, लेकिन हालत उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक क्या नहीं है, हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, खराब होती जा रही है, और उस पर भी हर रोज जो नए खुलासे हो रहे हैं उसने नवाब मलिक की हालत और ज्यादा खराब कर दी है, मलिक की मुश्किलें बढ़ा दी है। अब नवाब मलिक के केस को लेकर, मलिक के केस से जुड़े लोगों को लेकर और खुद नवाब मलिक को लेकर बहुत बड़ा, या कहें कि सबसे बड़ा और महा खुलासा हुआ, और मलिक पर खुलासा करने वाला कोई और नहीं बल्कि नवाब मलिक के ही केस में गवाह और डी गैंग के करीबी का बिल्कुल भाई है। जी हाँ, बड़े बड़े खुलासे करने वाला नवाब मलिक केस में गवाह खालिद उस्मान शेख है। उस्मान शेख ने ईडी को बताई गई बातों में ईडी की पूछताछ में बड़े खुलासे किए और ये खुलासे चार्जशीट के जरिए ही अब सामने आए हैं। उस्मान शेख ने क्या क्या खुलासे किए पहले ये देखिए और समझिए, फिर आपको मलिक की फांस बताएंगे और बताएंगे कि कैसे दाऊद के नाम का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ। तो खालिद उस्मान शेख इकबाल कासकर के करीबी दोस्त अब्दुल समद का छोटा भाई है और इकबाल कासकर दाऊद का सगा छोटा भाई है, जो कि दाऊद के साथ उसके धंधों में भी शामिल था। उस्मान शेख के मुताबिक साल 1990 में उसका भाई अब्दुल समद भाईगिरी की एक लड़ाई में मारा गया और तब इकबाल कासकर दुबई में था और सीधे उसके भाई की डेथ के बाद दुबई से इकबाल कासकर उसके घर यानी कि उस्मान शेख के घर आया था और उस्मान से अब्दुल समद की माँ से मिला था, संवेदनाएं भी दी थी। आगे देखिए, उस्मान ने आगे बताया कि इकबाल कासकर ने उसे अपने घर पर भी बुलाया और इसके बाद कई बार वो अपने छोटे एक और भाई के साथ इकबाल के घर गया और वहाँ इकबाल कासकर उस्मान शेख को खाना खिलाता था और करीब एक घंटे तक वहाँ रुकता था। अब वहीं पर उस्मान ने बड़ा खुलासा किया है। उस्मान के मुताबिक इकबाल कासकर ने बताया कि दाऊद अपने सभी रिश्तेदारों को, अपने करीबियों को हर महीने 10 लाख रुपए भेजता था ताकि उनका अच्छे से खर्चा चल सके, कोई दिक्कत ना हो। और ये बात 1990 के दशक की है, यानी कि जब 10 लाख की कीमत 10 करोड़ के बराबर थी, तब दाऊद अपने करीबी लोगों को, रिश्तेदारों को 10 लाख रुपए हर महीने भेजा करता था और इसके लिए अपने गुर्गों का इस्तेमाल करता था। उस्मान ने बताया कि इसी वजह से इकबाल और हसीना पारकर भी दाऊद के काम में, दाऊद के धंधे में मदद करती थी। डराने का धंधा चलता था, लोगों से पैसे वसूले जाते थे, उन्हें दाऊद तक पहुंचाया जाता था और दाऊद के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप पैसे देते थे। यही नहीं, उस्मान शेख ने बड़ा खुलासा ये भी किया कि मुंबई में आसपास में कई जगहों पर प्रॉपर्टीज पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया, जबरन कब्जाई गई प्रॉपर्टीज और जबरन उन पर अपनी तरफ से कब्जा किया गया, और या फिर कई जगहों पर विवाद जहां होता था तो वहां पर बीच में दाऊद खुद मांडवाली करता था और इसके लिए इकबाल कासकर और दाऊद की बहन हसीना के काम लिया जाता था और ये दोनों मिलकर वहां पर मांडवाली करवाते थे, यानी कि दोनों के बीच में बात करवाते थे और फिर इसमें मोटा पैसा, मोटी रकम दाऊद गैंग लेता था और ये सारा पैसा दाऊद के पास जाता था और उसके बाद दाऊद ये पैसा वापस से अपने गुर्गों के जरिए अपने करीबियों को, रिश्तेदारों को भी भेजता था, जिसका कि कुछ हिस्सा वो भेजता था और बाकी बड़ा हिस्सा दाऊद के पास जाता था। और इसी पैसे का इस्तेमाल दाऊद ने कई बार भारत के खिलाफ किया है, भारत के खिलाफ, देश के खिलाफ साजिशों में। आगे देखिए, अब यहीं पर उस्मान शेख ने नवाब मलिक की भी एंट्री कराई। उस्मान के मुताबिक गोवाला कंपाउंड भी पहले हसीना पारकर ने हथियाया और फिर नवाब मलिक ने भी उसमें हाथ डाला। उस्मान के मुताबिक नवाब मलिक को भी पता होगा और होना भी चाहिए कि दाऊद का नाम जहां पर जुड़ा है तो वहां पर कोई विरोध नहीं करेगा और कोई भी हाथ डालने की कोशिश नहीं करेगा, और इसीलिए आरोप है कि नवाब मलिक ने भी इस मामले में अपनी मनमानी की और अपने मन मुताबिक जमीन को हथिया लिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।